एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, और इस कैटेगरी के विनर है अरी तमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशियंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं. आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं. ओहो भैया झुको मत. बहुत बहुत बधाई. तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है. नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है कोई भी हाथ दिखाता है. मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं. मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था. भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में. तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना. तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे. आइए आइए बैठिए. अब आप बताइए. लक्ष्मी है वदन पर ब्रह्मणे नमः. सभी को मेरा सादर नमस्ते. और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूं. मैं धर्मशास्त्रों के कुछ विषयों पर अपनी वीडियोस बनाता हूं. और ये पुरस्कार मुझे मिला, इसमें धर्मचक्र भी है, इसमें वृषभ भी है, इसमें सिंह भी है. और इस धर्मचक्र की मर्यादा बनी रहे, ये धर्मचक्र सतत चलता रहे, इसके लिए ही मेरा छोटा सा प्रयास है. और ये धर्मचक्र केवल एक मूर्तमान पुरस्कार की कोई मूर्ति नहीं है जिसको हमें घर में जाकर के सजा देना है, अपितु अपने जीवन के अंदर इस धर्म चक्र को धारण भी करना है. और इसके अंतर्गत कोई आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई पूजा पाठ या विधियां नहीं आती है. आज मैंने जो वेशभूषा पहनी है, बहुत से लोग इसे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कोई सन्यासी हूँ, कोई बाबा हूँ, कोई तपस्वी हूँ, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ. मैं एक सामान्य बालक हूँ जो अपनी 12वीं कक्षा इस समय कर रहा हूँ. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं. प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है ये भारत का सबसे पुराना परिधान है जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे. तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान से, यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्ट्र के धर्म चक्र में एक छोटा सा सहयोग देता हूं. और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूं. और उसके लिए मुझे यहां बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन. नमस्ते. आप अरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अरी का दमन कैसे करते हैं? प्रथम तो अरी अंतर्मन के शत्रुओं का ही दमन करें, और बाहरी शत्रु बहुत रूप से होते हैं, फिजिकल शत्रु भी होते हैं, अंतर्मन के शत्रु भी होते हैं, परंपराओं के शत्रु भी होते हैं, रहन सहन के शत्रु भी होते हैं. और मैं समझता हूं कि जितनी हद तक हम इन शत्रुओं का निवारण कर सके उतना ही अच्छा है. और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूं. और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूं, ऐसी मेरी आशा है. बहुत बहुत शुभकामनाएं.